पंचायत के रूल ऐसे बने हैं कि भाई एक आदमी को 90 दिन काम दिया जाएगा, 30 दिन काम नहीं मिलता तो घोषणा तो ऐसे कर देते कि 90 दिन काम दिया जाएगा साल भर में, बाकी के 275 दिन वो भी गए और ये 60 दिन ये भी गए। मंदिर बनने से क्या होगा साहब? वहाँ अगर पूजा करने बैठ गए तो हमारा पेट भर जाएगा। मंदिर जो है ये तो एक व्यापार है, व्यापार इसलिए क्योंकि जैसे लोहार का काम अपना घन पीटना है तो वो उससे रोजी रोटी कमाता है, वैसे मंदिर जो है वो जो ब्राह्मण वर्ग है उनका व्यापार है, क्योंकि वो यदि वहाँ पे पूजा करते हैं तो सारा धन उनके घर जाता है, हमारे घर थोड़े जाता है। किसी एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी के घर में उसका धन नहीं आता, उसका धन तो जो जाता है पंडितों के घर जाता है। तीन सौ सत्तर वास हटी कश्मीर में, लेकिन उससे हमारे यहाँ गांव में रहने वाले का क्या फायदा है? सरकार जो मनमानी कर रही है लेकिन उससे गांव की जो मतलब देश की जो जनता है, जनता क्या है जो हर साल लोग मतलब नौजवान लड़के पढ़ लिख करके लाखों नौजवान लोग कॉलेज से निकलते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? 370 से क्या होगा? उनके लिए नौकरी की जरूरत है, उनके लिए रोजगार की जरूरत है। सरकार जो हम देखो आज ही छोटे से छोटे बच्चा, अगर कोई बच्चा चॉकलेट भी खा रहा है तो उसका भी टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है, तो यानी खरबों और लाखों करोड़ और अरबों रुपए तो गवर्नमेंट का खजाने में जाता है, तो उस खजाने का उपयोग क्या कर रही है सरकार? अपने नेता लोग ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि जो उनके जेब में कैसा कमीशन है ऐसी योजना बनाती है। और आज हमारी 48 साल की उम्र हो गई, 48 साल की उम्र में आज तक हमारा वोट बीजेपी को छोड़ के किसी को नहीं गया, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि हमारे सरकार ने जनता पे ध्यान ही नहीं दिया। हम बोनकट्टा आंजन बिहरी होते हुए अब पहुंच गए हैं महके पार, ये भी इसी क्षेत्र का गांव है और यहां पर ये एक हवन पूजन का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। आइए देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि तरह तरह के जो पोस्टर हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर लगी हुई है। यहां पर ये देखिए, ये छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार, ये संदेश देता हुआ पोस्टर भी यहाँ पे लगा हुआ है। साथ ही इसके ठीक दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये अंधश्रद्धा निर्मूलन से संबंधित एक पोस्टर लगा हुआ, जहाँ ये जागरूकता करने की कोशिश की जा रही है कि टोना टोटका झाड़ फूक ये जो सब है ये अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। आखिर ये जो परमात्मा एक सेवक मंडल का ये जो कार्यक्रम है ये क्या है, किस तरह से ये होता है और किस तरह से ये चलता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर है, हम इनसे बात करेंगे। ये बताएं कि क्या चल रहा है। नमस्कार सर, मैं चंद्रकिरण हूँ, यही रहता हूँ और मैं परमात्मा एक का सेवक नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो वार्ड में है यहाँ जो है कार्यकर्ता जी है जिनके घर में इस तरीके का कार्यक्रम बहुत दिनों से बहुत सालों से चल रहा है। एक्चुअली जो परमात्मा एक जो है नागपुर से है और जो जुमदेव बाबा जी है इन्होंने इस अभियान को चालू किया लोगों को जगाने के लिए, जिसमें अंधश्रद्धा निर्मूलन, लोग जो भटकाव की तरफ है रूढ़िवादी है उसको दूर करके एक मानव धर्म के इसमें मानवता की तरह किस तरीके से जीना चाहिए, भाईचारा किस तरह से होना चाहिए इसका संदेश देते हैं, और लोगों को एक छोटा परिवार सुखी परिवार किस तरीके से हो, किस तरीके से हमने भाईचारा बना के रहना चाहिए, इसकी यहाँ पे जाति विहीन जो समाज है उसका निर्माण मानव समाज के माध्यम से होते हैं। और हमारे जो टिकचन बाबू है
ये उनके कार्यकर्ता है। इस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या क्या रूढ़ियाँ, क्या परंपराएं, कौन सी खराब ऐसी चीज थी जो बदलना चाहते? जो पहले के जो जमाने में क्या है, प्राचीन काल में ऐसे अंधविश्वास में जी रहे थे हमारे लोग कि थोड़ी सी रूढ़ीवादी, मतलब छोटी छोटी समस्याएं, ऐसा हर साल भर में कम से कम पूरे साल भर त्यौहार, यानी उसके कारण से लोग क्या आर्थिक जो परिस्थिति थी, पर मतलब आर्थिक जो आज़ादी थी हमें नहीं मिल पा रही थी, इसके कारण से ये जो मानव धर्म में हम सब लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो जो बुराई है समाज में, जो बुराई है जैसे दारू हो गया, जैसे कुछ जो जैसे पंडा पुजारी भूत बाधा, ये जो उनके पंडे के माध्यम से जो लोग परेशान थे, तो आज इस मार्ग में आने के बाद में, परमात्मा एक में आने के बाद में, यानी सारी बुराइयाँ, यानी जो भी 33 करोड़ देवी देवताओं को जो हम साल भर अपने सर पे लेके घूमते थे, तो एक ही भगवान हनुमान जी को ही मान करके पूरे अपने जो समाज घर की जो मतलब आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी हो रही है, और अच्छे लोग सुधर गए, जो व्यसन दारू नहीं पीते, मतलब मतलब कोई अंधविश्वास वाले कार्यक्रम में भी नहीं जाते, तो उनका टाइम भी बच रहा है, उसके हिसाब से लोग सुखी है इस मार्ग में, लोग सुखी है। और निश्चित रूप से जिस टाइप के संदेश यहाँ पे दिए गए हैं कि छोटा परिवार हो और शराब या इस प्रकार के अंधविश्वास अगर परिवार में नहीं होंगे तो निश्चित रूप से परिवार सुखी होगा, तो शिक्षा के संबंध में भी कोई संदेश है आपके इस अभियान? जी जी जी, यानी इस मार्ग में आने के बाद में जो भी जो दुखी लोग है, वो उनका एक तरफा मतलब मार्गदर्शक कार्यकर्ता के माध्यम से उनको प्रेरणा दी जाती है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा स्कूल में भेजे और उनको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दे, ये सारी मतलब जो मार्गदर्शक है हमारा कार्यकर्ता जी। कब से चल रहा है ये? तो अभी कम से कम 1947 से इस मानव धर्म की स्थापना जब बाबा झुमदेव जी ने किए, और मतलब उन्होंने स्थापना करके इस मार्ग में आज लोग, कई लोग दुखी लोग आकर के अपना सुखी हो गए। जी जी, तो समाज में परिवर्तन आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये बताएं कि मतलब जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग नौकरी व्यवसाय में इस वक्त नहीं लग पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं इससे युवाओं में भी कुछ जागरूकता आती है, या वो भी रोजगार की तरफ बढ़ते हैं, और वर्तमान में जो रोजगार की स्थिति है उसके बारे में? रोजगार बोले तो सर होता क्या है, अभी जो सरकार है वर्तमान में, इस सरकार ने तो पूरे गवर्नमेंट नौकरी को, पूरे गवर्नमेंट बिजली को, रेलवे को सब ठेकेदारी कर दिया है, तो ऐसे कई पढ़े लिखे बच्चे हैं जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और आज की सरकार बच्चे को नौकरी देना पसंद ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो ठेके में काम उनका हो रहा है, एक ड्यूटी वाले के पेमेंट में 4 लोग काम कर रहे हैं, वो उनको पूरा है, इसलिए वो ड्यूटी का कोई मतलब वो ऐसा रखते नहीं कि इनको ड्यूटी लग जाए, ये पढ़े लिखे हैं। बच्चों का कोई भविष्य? भविष्य तो वो हो गया ना सर, खराब हो गया ना, बच्चे आज हमारा वो बच्चा पढ़ा है, इनका बच्चा जो है आज पढ़ा है बैठा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, तो गवर्नमेंट ये चाहती नहीं सर कि भाई इनको कोई नौकरी मिले, बच्चा अच्छा रहे, इनका परिवार अच्छा रहे, परिवार खुश रहे। आज हम गरीब है, अपने बच्चे को हमने बच्चों की सामने की स्थिति देख के बच्चों को पढ़ाई कि भाई हमारा बच्चा कुछ बन सके, तो बच्चा पढ़ने के बाद में भी घर में है सर। अच्छा, शासन ये चाहती नहीं कि बच्चे कि देश में कुछ बच्चों को नौकरी मिले, कुछ जॉब मिले, और बच्चा कम से कम अपनी ज़िंदगी बना सके। तो आप सरकार से खुश नहीं है? खुश बोले तो यही है ना सर, खुश तो सब कुछ है, लेकिन ये छे पैसे बांट रही है ना, बहुत सारे महिलाओं को पैसे दिया है। हाँ, बस यही बताती है कि 1,000 रुपए महिला को, 5 किलो राशन, इसी में जनता खुश है। अच्छा, इसमें खुश है जनता? खुश है इससे जनता, इसी में खुश है सर, क्योंकि बच्चों को खुश ये लोग है जिसको समझता नहीं। अच्छा, कि भाई वो बोलते है कि हमको तो 5 किलो राशन मिल रहा है, हमको तो 1 महीने के 1,000 रुपए मिल रहे है, और सामने के भविष्य हमारे बच्चों के बिगड़ रहे, वो तो समझता नहीं उनको। आज हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने तो हमारे भविष्य बन जाएंगे, हमारे बच्चे के भविष्य बन जाएंगे, ये जनता चाहती है, लेकिन शासन नहीं चाहता बाबा। तो कह तो रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी है करके। मोदी तो है,
लेकिन कार्यकाल बोले तो ऐसा है उनका, आज देखो हमारे गांव की स्थिति, आधे गांव में पानी मिल रहा है, तीन तीन चार चार ढोले बने हैं, आधे गांव में पानी नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि भाई आधे गांव में पानी क्यों नहीं मिल रहा है। ये चाहते ही नहीं कि भाई सभी गांव को मिले। आज 10 साल 20 साल से आधे गांव से पानी मिल रहा है, हम लोग हेड पंप का पानी हिला करके कुएं का पानी खींच करके पी रहे हैं। और क्या चाहिए, और क्या सुविधा चाहिए आपको गांव में? सुविधा तो हर चीज की होना चाहिए, रोड सुधरना चाहिए। देखो आप तो रोड से आए हो, अगर आपकी गाड़ी गुजर रही तो साइकिल नहीं गुजर पाएंगी। चौड़े रोड बनने चाहिए जी, जब उसमें बदलाव आ जाएगा थोड़ा सा। क्या काम करते हैं आप लोग, आपका आय का क्या स्रोत है? मजदूरी करते साहब, मजदूरी करते जी। क्या किस काम में मजदूरी करते हैं? हाँ, कभी कभी अपन लोहार समाज के आदमी है, फर्नीचर कर लेते छोटा मोटा, बाकी ये गन्ना पकाते हैं। अच्छा, खेती में गन्ना जी, यहाँ पे ज्यादा गन्ना, ज्यादा गन्ना, गन्ने की जी जी। उसमें तो अच्छा मुनाफा मिलता है? मुनाफा मिलता है सर, पर सभी को नहीं मिलता ना सर। जिसकी खेती अच्छी है वो मुनाफा कमाता है, और जिसकी खेती अच्छी नहीं वो कहाँ से मुनाफा कमा ले? गन्ने को जितना भाव मिलना चाहिए सर, भाव तो अभी है, जिस समय में किसान के पास गन्ना आ जाएगा उस समय में भाव कम किया जाता है, 25 रुपया 24 रुपया। अच्छा, आज 35 रुपया 40 रुपया गन्ना गुड़ है, और हमारे पास जिस समय में आ जाएगा सर तो 25 रुपया हो जाएगा, 28 रुपया हो जाएगा। कहाँ बेचते हैं आप लोग गन्ना? बस व्यापारी को सर। अच्छा, अब हम लोग मान के चलो गन्ने में पूरता है, आप बोल रहे हो सही है, लेकिन निजी खेती जो करता है, खुद की खेती, उसको पूरता है। हम लोग अदिया करने वाले हैं, आधा गुड़ तो सामने वाले जमीन लोग दे देते हैं, आधे गुड़ में हम खुश रहते हैं। अब काम ही नहीं तो क्या करें? पंचायत के रूल ऐसे बने हैं कि भाई एक आदमी को 90 दिन काम दिया जाएगा, 30 दिन काम नहीं मिलता, तो घोषणा तो ऐसे कर देते कि 90 दिन काम दिया जाएगा साल भर में, बाकी के 275 दिन वो भी गए और ये 60 दिन ये भी गए। काम की समस्या सर। क्या होना चाहिए एक सरकार जो है, क्या अच्छा करे, क्या करे जो आप खुश हो जाएंगे, क्या करना चाहिए? अभी तो कांग्रेस जो है उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की है कि हम इतनी गारंटी देंगे, वो गारंटी दिया है, आपको लगता है कि उससे कोई फायदा होगा? सर हमारी इच्छा यही है, किसान की आय बढ़ना चाहिए, सरकार ने किसान को समझना चाहिए। आज अगर किसान खेती ना करे तो इतना बड़ा भारत कहाँ पलेगा? मंदिर तो बना दिया, मंदिर से कोई लाभ नहीं हो रहा है क्या? मंदिर बन तो रहा है, आप लोग खुश नहीं है? नहीं, मंदिर से खुश क्यों नहीं रहेंगे साहब? मंदिर के बारे में, मंदिर तो हम आज बोल रहे हैं, राम मंदिर हो और कोई मंदिर हो, आज कल खुलने का आज खुले, खुशी है हमारे को। मंदिर बनने से क्या होगा साहब? वहाँ वहाँ अगर पूजा करने बैठ गए तो हमारा पेट भर जाएगा। मंदिर जो है ये तो एक व्यापार है, व्यापार इसलिए क्योंकि जैसे लोहार का काम अपना घन पीटना है तो वो उससे रोजी रोटी कमाता है, वैसे मंदिर जो है वो जो ब्राह्मण वर्ग है उनका व्यापार है, क्योंकि वो यदि वहाँ पे पूजा करते हैं तो सारा धन उनके घर जाता है, हमारे घर थोड़ा जाता है, किसी SC ST OBC या माइनॉरिटी के घर में उसका धन नहीं आता, उसका धन तो जो जाता है पंडितों के घर जाता है जो ब्राह्मण वर्ग है। और रहा यहाँ पे जो है समता, स्वतंत्र, बंधुता, न्याय की नीति पे देश चलना चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे कि जो देश है आज साम दाम दंड भेद की नीति से चल रहा है, तो फिर संविधान लागू का हुआ? आज 70-75 साल के बाद में भी आज इस देश का जो मूल निवासी है, जो यहाँ का मालक है, आज वो गुलाम बना है। मतलब आप मंदिर से खुश नहीं हो? जी नहीं, मंदिरों की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, ये हमारे मुद्दे होना चाहिए, स्थानिक मुद्दों को उठाया नहीं जाता। आपको एक बात बता दूं, हमारे गांव में शमशान भूमि था जो कि अंग्रेजों के समय मिला था, लेकिन वो शमशान भूमि का जो मुद्दा था किसी सरपंच ने नहीं उठाया, आखिर जो टिकचंद भाऊ थे इन्होंने उस मुद्दे को उठाया और 5 एकड़ का शमशान भूमि उस ब्राह्मण व्यक्ति के हाथ से मुक्त करवा के गांव को प्रोवाइड किया। अब ये तो कोई पद पे नहीं थे, लेकिन एक जन आंदोलन हुआ इस गांव में, और उस जन आंदोलन के माध्यम से वो सारी समस्या गवर्नमेंट से लड़ के PMO तक जाके उसको हासिल किया गया। नहीं, जागरूक लोग है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग जागरूक है, और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। और जी तो सरकार जो कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत सारी बातें हो रही है, कश्मीर में 370 हटा दिया, इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्या? उससे क्या होगा सर, उससे क्या फायदा होगा? 370 वास हटी कश्मीर में, लेकिन उससे हमारे यहाँ गांव में रहने वाले का क्या फायदा है? सरकार जो मनमानी कर रही है, लेकिन उससे
गांव की जो मतलब देश की जो जनता है, जनता क्या है जो हर साल लोग मतलब नौजवान लड़के पढ़ लिख करके लाखों नौजवान लोग कॉलेज से निकलते, उनके लिए क्या व्यवस्था है? 370 से क्या होगा? उनके लिए नौकरी की जरूरत है, उनके लिए रोजगार की जरूरत है। सरकार जो हम देखो आज ही छोटे से छोटे बच्चा, अगर कोई बच्चा चॉकलेट भी खा रहा है तो उसका भी टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है, तो यानी खरबों और लाखों करोड़ और अरबों रुपए तो गवर्नमेंट के पास खजाने में जाता है, तो उस खजाने का उपयोग क्या कर रही सरकार? अपने नेता लोग ऐसा उपयोग कर रहे कि जो उनके जेब में कैसा कमीशन आया ऐसी योजना बनाते हैं। लेकिन जो आज देखो पूरे भारत में जो जन्मा हुआ व्यक्ति है, कोई भी जाति का हो, पंथ का हो, धर्म का, लेकिन उस आदमी को हर आदमी को काम की जरूरत है, और जो जब तक काम उसको मिलेगा नहीं तब तक उसका परिवार सुखी नहीं होगा, वो चैन से नहीं खा पाएगा। ये एक रुपया दो रुपया किलो का जो राशन दे भी रही गवर्नमेंट, वो भीख की तरह मिल रहा है। 5 किलो यानी अगर 5 परिवार है तो 25 किलो, तो 25 किलो में वो भी खाने लायक अनाज नहीं है, जानवर नहीं खा पाता ऐसा अनाज सरकार दे रही है। अभी गेहूं भी बंद हो गया, अभी गेहूं पहले मिलता था, अभी बंद हो गया। अभी गेहूं शक्कर भी नहीं मिल रही है। शक्कर मिलती है सर, एक किलो सिर्फ पीले कार्ड वालों को मिलती है। अच्छा, केरोसिन भी बंद हो गया। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से जो है ये जो राशन और ये छोटी छोटी जो मदद है, जो फ्री वाली जो बातें हैं, ये ना होकर जो है रोजगार की चीज। जी 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 सर, आज मैं गरीब आदमी हूँ सर, मैं आज मेरे 4 बच्चे, मेरी जमीन आधा एकड़ है 50 डिसमिल, मैं अपने बच्चों को जैसा तैसा करके मजदूरी करके अपना रात दिन पसीना निकाल के पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा बच्चा 5वीं पास हो गया है, 12वीं पास हो गया है। आज देखता हूँ सपने, तो मेरे सपने साकार नहीं हो रहे क्योंकि पैसा नहीं है जेब में, रोजगार नहीं है, काम ही नहीं है, कहाँ से सब? अब बच्चे पालूंगा या पढ़ाऊंगा, फिर ये सामने एडमिशन करूंगा, अगर मेरे को रोज काम मिले तो मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जो 5 किलो राशन ना दे, हमको रोजी चाहिए, काम चाहिए, और उस काम से हम पैसे कमा कर हम खुद खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारा 5 किलो राशन में 1 महीना चावल नहीं पूर सकता। अगर 1 महीना 5 किलो राशन में 1 महीना चावल पूरता है तो सरकार हमको बता दे। और आज हमारी 48 साल की उम्र हो गई, 48 साल की उम्र में आज तक हमारा वोट बीजेपी को छोड़ के किसी को नहीं गया, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि हमारे सरकार ने जनता पे ध्यान ही नहीं दिया, क्या करेंगे साहब फिर? तो ये जो योजनाएं बनती हैं, बहुत सारे जातियों को देखते हुए योजनाएं बनती है, एससी के लिए योजनाएं बनती है, एसटी के लिए बनती है, ओबीसी के लिए बनती है, तो आपको मध्य प्रदेश में अभी इस वक्त जातिगत जनगणना का मुद्दा भी बहुत उछल रहा है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये, और बहुत सारी बातें ये हो रही कि भाई ओबीसी का जो है मुख्यमंत्री बनेगा? सर, जातिगत जनगणना होना चाहिए लेकिन उसको गवर्नमेंट करा नहीं रही है। इन लोगों का मानना ये है कि जो योजनाएं हैं वो, जो फ्री वाली जो योजनाएं हैं वो बंद करना चाहिए और उसकी जगह पे रोजगार की बात होनी चाहिए। बहुत सारी योजनाएं बनती हैं एससी एसटी ओबीसी तमाम जो जातियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये जो जातिगत जनगणना है बहुत पहले हुई थी और हाल ही में कुछ राज्यों ने ये जातिगत जनगणना कराई है, जिसमें बिहार ने जो उस जनगणना को प्रकाशित भी कर दिया है और कुछ राज्य हैं जो अब प्रकाशित बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक उनके अनुसार योजनाएं नहीं बन सकती, ये सबका मानना भी है, और अब मध्य प्रदेश में भी ये बात उठने लगी है। क्या आपको लगता है? सही बात है सर, जातिगत जनगणना होना चाहिए जैसी नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य में किया, क्योंकि जातिगत जनगणना होंगी तो पता चल जाएगा कि जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, तो उनकी हिस्सेदारी कितनी है वो पता चलेगा। आज यदि आप देखते हो तो सारे पार्लियामेंट में या फिर विधायिके में या जहाँ पे भी देखोगे सारा का सारा ब्राह्मण वर्ग अधिकार खा रहा है, तो फिर बचा हुआ जो बाकी का जो परसेंटेज है वो उनका हक कहाँ गया? क्योंकि उनके लोग तो ओबीसी, उनकी यदि स्पेशल बात करें तो उन लोग तो नौकरियों में चपरासी बाबू के है, उसके ऊपर वाले पद कहाँ गए? तो वो पद उनमें हमारे लोग होना था लेकिन वहाँ पे हमारे लोग नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे हक को मारा जा रहा है। और यदि हमारे हक को लेना है तो इस देश में जातिगत जनगणना होना जरूरी है, और जो जातिगत जनगणना होंगी तो उस तरीके से उनके हक अधिकार उनको दिए जाएंगे, तो हर राज्य में इसकी पहल होना चाहिए। अब तो कांग्रेस ने ये मांग की है मध्य प्रदेश में कि
जातिगत जनगणना कराएंगे वो आएंगे तो। सर 70 साल से क्या कर रहे हैं? आज 70 साल से उन्होंने भी सरकार की, अभी बीजेपी की सरकार है, तो हमारी जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? वो तो संविधान में अमिटमेंट होगा ना, तो फिर कराना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी ये सारे चट्टे बट्टे के एक ही हैं, हमारे हक अधिकार हमको देने वाले नहीं है। उसके लिए हमें विकल्प तीसरा ढूंढना ही पड़ेगा और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे इसमें जाना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में जाने वाले। किस कौन में हो सकता है, कौन आपको लगता है कि क्या तीसरा विकल्प क्या है? सर तीसरा विकल्प जो भारत में जो तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बनी BSP, तो मैं तो उसको समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो कांशीराम जी जो थे जिन्होंने सोई कोम को जगाया, बाबा साहब ने तो हक अधिकार दे के चले गए, संविधान दे दिया, लेकिन संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग बराबर नहीं थे, तो उनको जगाने के लिए लोगों, क्योंकि शासन लोग सर्वोपरि जनता होती है, उसके बाद शासन होता है, फिर प्रशासन होता है, तो लोग सर्वोपरि है लेकिन लोगों को वो एहसास नहीं है, वो सोए हुए हैं, तो उनको जगाने के लिए जो कांशीराम जी महापुरुष हो गए इस देश में और जिन्होंने जगाया, और आज उस आंदोलन को लेके हर गांव मोहल्ले कूचे तक वो आंदोलन पहुंच गया है, तो निश्चिंत ही तीसरी जो पार्टी है BSP वो लोगों के लिए एक आधार स्तंभ हो सकती है, उनके आगे के जीवन को अच्छा जीने के लिए, कुशल जीवन जीने के लिए। ये जो महके पार गांव है, ये कटंगी विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ के लोगों से हम मिले, यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी अपने इस हमारे इस कार्यक्रम में, तो जनमन की बात यहाँ पर यही निकल कर आती है कि रोजी रोजगार बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए भी, शिक्षा सुलभ शिक्षा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही जो फसल यहाँ की होती है उसे सही दाम मिलना चाहिए। इसके साथ साथ इस गांव में खास जागरूकता का जो ये कैंप लगाया गया है, जिसमें परमात्मा एक सेवक के तमाम लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, उनका कहना ये है कि इन्हें जातिगत जनगणना भी चाहिए, क्योंकि ये जागरूकता ये हद तक आ चुकी है कि लोगों को अब लगने लगा है, अब वो जानने लगे हैं कि कौन किसका हक खा रहा है, तो अब इन्हें लगता है कि जातिगत जनगणना अगर होगी तभी सबको बराबर हिस्सेदारी मिल पाएगी। इस वक्त इस महके पार के जो लोग हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, यहाँ के मतदाता हैं, इनकी हमने बात समझी, बात जानी। अगले एपिसोड में हम एक और गांव में, एक और जगह पे हम मिलेंगे। इस वक्त बस इतना ही। NDN TV के लिए अंकित सरकार के साथ मैं सुधीर कुमार।